शंकर कहते हैं कि अपने चित्त को लगाओ तुम किस में तुम अपने चित्त को लगाओ आत्मज्ञान में तुम अपने चित्त को लगाओ किस में उसे आप लगाओ संसार के भीतर रहते हुए भी तुम्हें ये भूल नहीं जाए कि यहाँ जो कुछ दिखता है वो सब विनाशी है इस विनाशी को भोगते हुए पर भी ये स्मृति बनी रहे भोगने का मना ही नहीं कर रहे पर समझ तो रहनी चाहिए तो इसी समझ को डेवलप करने के लिए ये साधना पंचकम की चर्चा जो आती अगला श्लोक ले रही हूं संग सत्सुताम भगवतो भक्ति दृढ़ादीयताम सज्जनों का संकरो सज्जन किसको कहते जो ताश क्लब पार्टी करे ना ना, उन्हें हम दुर्जन कहते दू लगा मैंने बुरी चीज हो गई ये दुर्मुख ही है दुर्गुण है सज्जन नहीं है ओए साजन ओए मित प्यारे कौन मेरा साजन कौन मेरा मित्र है बोले जो मुझको परमात्मा से प्रीति करनी सिखाए वो मेरा सज्जन होता है आज जो जो परमात्मा से ही दूर करा दे एक ने पूछा कह रहे कहाँ जा रहे हो बोले हम तो शिविर में जा रहे हैं ऋषिकेश पागल हो गए हो अरे इकतीस दिसंबर को न्यू ईयर पार्टी है पार्टी करेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या कि, किन के चक्कर में पड़े हो क्या बोले ने? किन के चक्कर में पड़े पार्टी मतलब क्या दारू पियो दारू पियो बहुत सारी फिर हैंगओवर फिर उल्टियाँ करो अपने ही कपड़ों पे उल्टियाँ, अपनी कार में उल्टियाँ, घर में उल्टियाँ, ये हो रही क्या ये बोले हमने पार्टी करी थी पार्टी में बेहोश बेसुध होके पड़े हैं मुझे एक रेस्टोरेंट चलाते हैं वो बता रहे थे बोले पहले ना हमारे रेस्टोरेंट में पुरुष आते थे जैसे पुरुष आ जाए चार तो वो चार पैग ऑर्डर करते छोटे चार पैग ऑर्डर बोले अगर स्त्री आ जाए ना चार वो एक बोतल ऑर्डर करती हैं ये फर्क हो गया है विमेन लिबरेशन दे आर टू स्मार्ट और बोले एक खत्म हो तो दूसरी भी मंगाती हैं और फिर उसके बाद लुढ़क रही होती हैं तो उनके ड्राइवर उन्हें उठा के ले जा रहे होते सब जान पहचान वाले कईयों के घर में फ़ोन करना पड़ता है कि जी वो आप ले जाओ आपकी मिसिस यहाँ पे तो शी इज़ नॉट इन अ कंडीशन टू ड्राइव प्लीज़ आके उनको ले जाइए बोले तो रात बारह बारह बजे तक फिर हम हमको बैठना पड़ता है अब ऐसे कैसे छोड़ दें इनको इतना पे दस बेबेद क्या है हमारा पार्टी हो रहा है अब ऐसी पार्टी में जाने का न्योता मिले आई नो उछल उछल के जाते हैं लोग तो खुश होते हमें पार्टी में बुलाया इन्हें हम सज्जन नहीं कह सकते सज्जन कौन है जो मेरी ईश्वर में भक्ति को दृढ़ कराए वो सज्जन होता है जो मुझे ईश्वर की भक्ति से ही दूर कर दे वो सज्जन कैसे हो सकता है कैसे तो शंकर कह रहे बहुत सजग रहिए संगा किसका संग सज्जनों का भगवतो भक्ति जो मेरी ईश्वर में भक्ति दृढ़ करे मुझे याद है एक बार नौ नौ एक साल का लड़का जयपुर से माँ बाप के साथ आया मुझे कहता है गुरु माँ मैं आपको ओम ध्यान करके बताओ हाँ बताओ तो बैठ गए आंखें मिचली उसने रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली एक मिनट तक हिला नहीं वो फिर उसने लंबी सांस खींची नाक सिकोड़ के माथा सिकोड़ के जोर से और फिर उसने एक लंबी ओम की ध्वनि करी तीन बार किया आंख खोल के पट पूछता है ठीक है ना, ठीक है ना, मैं एब्सोल्युटली परफेक्ट इससे उत्तम हो ही नहीं सकता तो उसके माता पिता उसके लिए सज्जन हो गए क्योंकि माता पिता को उसने ध्यान करते देखा प्रणव ध्वनि करते देखा देख के उनके अंदर रुचि आई उसने भी किया कौन सज्जन जो मेरी भक्ति दृढ़ कराए शांत्यादि परिचयता अपने चित्त में शांति की उपज करो डू द कल्टिवेशन ऑफ क्षमा शट संपत्ति द सिक्स ट्रेजर्स दो शुड बी डेवलप्ड इन योर माइंड दैट इज इक्वेनिमिटी नॉन वायलेंस तितिक्षा ऑस्टैरिटी ए डिवोशन टू गुरु क्वाइट्यूड ऑफ माइंड सरेंडर टू लॉड शम दम श्रद्धा तित्सा समाधान उपाराम इन छुणों को अपने चित्र में लाओ अब देखिए हम जब कपड़ा पहनते हैं ना तो देखते कपड़ा प्रेस है नहीं है धुला है नहीं है गंदा तो नहीं है घर से बाहर निकलते शीशे देखते बाल ठीक है पगड़ी ठीक है कई बार कई ऐसे उनको तो मैं ही बोल देती हूं मैं कह तुम्हें तो पीटा किसी ने बोल नहीं आश्रम में पूछती हूँ पीटा किसी ने नहीं मैं फिर तेरे बाल क्यों उजड़े पड़े थोड़ा व्यवस्थित रहो ऐसे कैसे लेकिन आ, हम अपना मन कभी नहीं देखते हैं मन व्यवस्थित है या नहीं मन में ईर्षा है कभी चेक किया आपने मन में किससे द्वेष है चेक किया कभी आपने मन में हीन भावना है देखी आपने ये सब आपको बदसूरत बनाते हैं अहंकार है मन में सबसे बड़ा बदसूरत यही होता है शंकर कह रहे हैं अपने मन में क्षमा आदि षट संपत्ति को अपने अंदर लाने का प्रयास करते रहना चाहिए यू शुड कल्टिवेट वर्च्यू ऑफ पीस इन योर माइंड मन कैसा होना चाहिए मन ना बहुत ही पापी है ये इसको गंदी आदतें पड़ी हुई जैसे भोजन खाने बैठेगा ना पेट में जगह है या नहीं मन में आ जाए ना लालच कहते पूछा उन्होंने पूरी लेंगे हाँ हाँ दे ही दो, दो दे दो खाई एक भी नहीं जा रही ले दो ली हैं फिर क्या करेगा फिर फेंक देगा हम क्या भोजन थाली में डालते हैं हम उसको कैसे खाते हैं ये भी हमारे मन में लोभ की वृत्ति है या नहीं है बताएगा मैं ये नहीं कह रही तुम तीन पुड़ी ना खाओ अरे हाजमा अच्छा है मेरी तरफ से दस खाओ हम तो बड़े खुश होंगे आ, आप प्रभु प्यारे न तुम तो बराती तो आए हो ना कोई काम नहीं दाम नहीं सुबह खाओ शाम खाओ और देखो क्या बढ़िया सेवा हो रही है तुम्हारी कोई सज्जन आए तो पहली बार यहां ऋषिकेश तो जो उन्होंने देखा ना ये पंडाल बड़े खुश हुए बोले ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बैंकुट हॉल हो किसी अच्छे से होटल का तो मैंने कहा भगवान के ज्ञान की बात होनी है सुंदर तो स्थान होना ही चाहिए ना <laughs> नहीं होना चाहिए मैं फिर कह दू मुझे मंदिर और मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियों से बहुत लगाव है प्यार है पर मेरी दृष्टि में आप सब साक्षात भगवान की ही तो हो कहाँ कहाँ से भगवान अपना दर्शन देने आया है यहां पर कोई आंध्रा से कोई कर्नाटक से हाँ कोई अमेरिका से कोई स्पेन से कोई इंग्लैंड से तो आप हमारे लिए तो आप भगवत स्वरूप सब कुछ आपके लिए है लेकिन आपका दृष्टिकोण कैसा होगा लोभ की वृत्ति है त्याग की वृत्ति है भोग की वृत्ति है कि कैसी वृत्ति है